अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हुआ तानी मेज़बान मुदस्सर हुसैन। नाजरीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हर साल की तरह इन साल भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके से 27 दिसंबर के मौके से ये खसूसी प्रोग्राम असा कंदा। हमेशा की तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ जो वेझा साथी रहा खास तौर पर शहादत के मौके से भी मौजूद गड रहा उन्होंने खसूसी इंटरव्यू कंदा। गुजरे साल भी सफदर अब्बासी गुजरियल साल जो महरूम रहमान मलिक यो सिलसिलो हलंद रो है, इन साल भी यो सिलसिलो बरकरार है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वर्सी है बिन्हीं का पो इन वर्सी के हवाले से तैयारियों मुकम्मल कई वही पर एक सवाल हर साल की तरह हमेशा इंसान के जहन में रहे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी उनका जी डुहारी है वो कें फिक्रदार से छो न पौता मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कड़ो विजन खड़ी आई पाकिस्तान में उनके कर दुश्मन के मोहतरमा जो दुश्मन आ उन्होंने कड़ो खदशो हो जैसे कर मोहतरमा के इन तरह निशानो बनाया इन सारी सूरत हाल से गाल्बोल कंदी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी दिन की यादन के हवाले से गाल्बोल कंदी अज जी शख्सियत असल अगर मौजूद हैं ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी जलसे जो लियाकत पार्क में थो उन वक्त भी उन्होंने गड हुई फरजाना राजा साहब असल अगर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वर्सी के वाले से। हमेशा हर साल की तरह हम ये प्रोग्राम करते हैं और इस मौके पे हमारा एक ही सवाल होता है, जो भी हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद होती है मोहतरमा की करीबी साथी होती है आखिरी दिनों में साथ उन्होंने वक्त गुजारा होता है। आप भी आखिरी दिनों में जब जलसा था जब शहादत हुई उस वक्त लियाकत बाग में मौजूद थी, सेक्टर इन्फॉर्मेशन के फरायज अंजाम दे रही थी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा थी, तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने थी। आखिर जो मोहतरमा को दुश्मनों ने निशाना बनाया तो मोहतरमा उसके बावजूद भी उसको इल्म था वो वापस आई पाकिस्तान में आई, तो आप समझती हैं कि दुश्मनों का क्या मकसद था जिसके तहत मोहतरमा को निशाना बनाया गया? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम दिन के मामले में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो कि कितने साल पहले हुई और ऐसे महसूस होता है कि ये इसी साल की बात है। और जो आपने बात पूछी वो तो उसका जवाब तो मैं यही कहूंगी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की अलामत और पाकिस्तान की पहचान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वर्ल्ड वाइड बैनुल अक़वामी सतह पर थी और आज भी उनके नाम से पाकिस्तान को पहचाना जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो वो एक जो वफाक है उसकी भी अलामत थी, पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना, पाकिस्तान में उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और फिर पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाना, मैं समझती हूँ कि ये पूरी ओवरऑल साजिश थी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बात की लीडरशिप जिन्होंने बागडोर संभाली, मैं समझती हूँ कि उन सब ने मिलकर इसको नाकाम बनाया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत का नुकसान है या लॉस है उसका तो कोई नेमुल बदल दुनिया में कोई चीज उसका मुतबादल हो नहीं सकती। पाकिस्तान को बचाना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी फतह रही उस वक्त इस बड़े हादसे और साने के बाद। अच्छा, एक सवाल आवाम के जहनों में हमेशा रहता है और ये सवाल रहा कि लियाकत बाग पहले वजीर आजम की वहां पे शहादत हुई, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुई, फिर इवन जुल्फकार अली भुट्टो की भी फांसी वो रावलपिंडी में हुई, तो ये हमेशा तासुर था क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से था, गुजर खान के था और सिंध की आवाम इस हवाले से बड़ी मायूस हुई थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वाले साहब को भी पंजाब में ही शहीद किया गया, उसको सजा मौत दी गई और मोहतरमा को भी वहीं पे ही निशाना बनाया गया, तो ये कोई खास दूरियां पैदा करने का टास्क तो नहीं था उस वक्त? जी, मैं एक चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करती चलूं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों की जमात थी, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दौर था या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो या आज की भी बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सूबे के साथ मुंसलिक करना और उसकी इसकी पहचान बना देना ये मेरे ख्याल में गलत होगा, और किसी भी सियासी जमात को, क्योंकि वफाकी सियासी जमातें जो हैं वो वफाक की अलामत, जैसे मैंने पहले कहा मोहतरमा की अपनी शख्सियत वफाक की अलामत। रिएक्शन ज्यादा सिंध से आया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कहा यह जाता था ना रिएक्शन आया था, तासुरात थे, तो क्या वो एक साजिश थी इस तनाजुर में अगर देखा जाए? मैं इसको इस तरह से नहीं कहूंगी कि ये साजिश सिंध और पंजाब के खिलाफ थी, जो भी साजिश वफाकी लीडर
डिक्टेटरशिप्स को सफाई हस्ती से मिटाने की होती है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है, वो सिर्फ एक सूबे के खिलाफ नहीं होती। तो मेरी सोच थोड़ी सी इससे मैं दूसरों से डिफर करूंगी और मैं ये कहूंगी कि चूंकि वो वफाकी और पूरे पाकिस्तान के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, और यकीनन वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको जो उनका गिरफ्तारी करना या उनके जो भी एक डिक्टेटर ने उनको शहीद करने की एक नाकाम कोशिश एक इंडिविजुअल ने की वो और मैं कहती हूँ मतलब उसने अपनी तरफ से तो बहुत ही कामयाब कोशिश कर ली, उसका ताल्लुक पंजाब से नहीं था कि अगर वो फांसी सिंध में भी दे देते या पंजाब में दे देते बात तो एक ही हो गई कि उनको तो फांसी एक डिक्टेटर ने दी। इसी तरह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी मैं आपको ये कहूँ जरूर कि इस चीज को जहन में रखिए कि ये एक बैन अवी सतह पर इस तरह की जो साजिशें होती हैं उसमें फिर बहुत सारे लोग एहलकार जरूर बनते हैं, आलायकार बनते हैं। जाहिर है कि वो कोई बाहर के लोग तो मारने नहीं आए थे जो भी सिलसिले थे, लेकिन प्लानिंग और फाइनेंसिंग कहीं और से होती। अच्छा, आपके इलम में थे इस हवाले से क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तला थी, तो आपके पार्टी सतह पर इस बारे में इलम था कि मोहतरमा एक डील के तहत आई है, क्योंकि ये कहा यह जाता था कि मुशर्रफ के साथ उस वक्त डील हुई थी तब मोहतरमा आई थी। देखिये, एक तो यह है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की वापसी के बाद कंटिन्यूसली जितने भी दिन थे सिवाय सिंध के कुछ जो हल्कों में उन्होंने दौरे किए उसके अलावा मैं तकरीबन हर दिन उनके साथ थी। ये इस तरह की बातें करना कि फलां डील बना के आए, यानी कि अगर अपने ही मुल्क में वापस आएंगे तो डील बना के आएंगे, अपने मुल्क से बाहर जाएंगे तो डील बना के जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर सियासी हुकूमत से उतरेंगे तो करप्शन करके उतरेंगे और उसके बाद मोस्ट करप्ट होंगे, ये कुछ जो ऐसी मिथ्स हमारे मुल्क में बन चुकी हुई है कि एक सियासी जमात जाती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं, जो ही कोई लीडर मुल्क से जाता है तो उसके साथ डीलें जोड़ दी जाती हैं। मैं मतलब आप कह रही हैं तासर गलत है, ये तासर दुरुस्त नहीं है। जी, ये तासर दुरुस्त नहीं है कि डील बना के, वो उनका अपना मुल्क था, उनके पाकिस्तान के अवाम चाहते थे कि वो वापस आए और मैं समझती हूँ कि अपनी जान के ऊपर खेल के वो पाकिस्तान में वापस आई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने जितना मुकाबला करना था बाहर रह के वो मैंने बाहर रह के किया, यानी असाइलम में रह के भी वो कोई खामोशी से बैठी लाइफ तो नहीं इंजॉय कर रही थी, वो कंट्री दुनिया के ममालिक पे हर प्लेटफॉर्म पे डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, अवाम के लिए वो आवाज उठा रही थी। उसके नतीजे में उन्होंने फैसला किया कि दिस इज द राइट टाइम एंड आई शुड गो बैक। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो एक साजिश तो थी, यकीनी तौर पे मोहतरमा का कत्ल एक साजिश थी, ये इंटरनेशनल साजिश थी या इंटरनल साजिश थी पाकिस्तान की सतह पर? इस तरह की जो साजिशें हैं ना, चाहे वो रफीक अल हरेरी हूं या वो जॉन एफ कैनेडी हूं या वो दुनिया में आप बड़े बड़े उन लोगों के नाम ले लें जिनकी असैसिनेशन वर्ल्ड वाइड होती हैं, उसके पीछे बहुत सारी कुव्वतें और बहुत से जो है ना वो प्लान्स होते हैं। यकीनन अगर उसको यूनाइटेड नेशंस की जो इंक्वायरी है अगर वो बेनकाब नहीं कर सकी है तो मेरे पास तो कोई ऐसी शवाहिद नहीं होंगे कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकूं या मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। यकीनन आलाकार आपके लोकल लेवल पे लोग भी होते हैं, यानी कि गन उठा के खुद तो इंटरनेशनल कुव्वतें नहीं आ जाती कुछ करने के लिए, लेकिन साजिश तो यकीनन होती है और बड़े पैमाने पे होती है जो कि समटाइम्स समझ में आती है समटाइम्स नहीं आती है, और बेनकाब कई साजिशें ज्यादातर तो नहीं होती हैं, कोई एक आध अगर उसकी एग्जांपल हो माजी। मतलब आप कह रही हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने भी तहकीकात हतमी तौर पे रिपोर्ट नहीं दे सकी या हतमी तौर पे मंत्री के जाम तक नहीं पहुंचा सकी, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल साजिश थी। जो स्कॉटलैंड हो या दुनिया के जो भी अदारे हैं जिन्होंने इसमें अपने आप को पेश किया कि हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत का मामला है उसको उठाते हैं, उन्होंने जितनी भी रिपोर्ट्स दी हैं उसके मुताबिक ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि हु किल्ड, वो लोग जेल में भी थे। मुझे याद है जब हम कैबिनेट मेंबर्स थे तो वो जेल में थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां होनी थी वो हो रही थी, लेकिन बात फिर वही है कि फाइनेंसर्स प्लानर्स तो नहीं पकड़े जाते या स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं वो तो नहीं पकड़े जाते, वो जिन्होंने कार्रवाई अमल में लाई तो वो कोई इतने अहम लोग तो नहीं थे जिन्होंने कार्रवाई अमल में लाई। असल में पकड़ना उनको था ना जो हैंडलर थे, जो पीछे से मामला चला रहे थे, जिन्होंने साजिश की थी। आप ये इस चीज का समझती हैं कि वो नहीं पकड़े गए, असल उनको पकड़ना चाहिए था? तक दुनिया के किसी भी असैसिनेशन में इस तरह के लोग, मेरी इल्म और नॉलेज जितना भी एक लिमिटेड है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई पकड़ा जाता है या पकड़ा गया है। तो ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब इस तरह की साजिशें होती हैं तो उनको बेनकाब करना बहुत
मुश्किल होता है, बल्कि कई जगह पर तो मैं कहूंगी नामुमकिन होता है, लेकिन आपके लिए जो मुमकिन है वो ये है कि उन साजिशों को जो नतीजे उन्होंने सोचे थे उस पर अमल ना करके, जो कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको फोर्सी कर रहे थे उस पर अमल ना करके अपने मुल्क को बचाना, अपनी सियासी जमात को बचाना, ये दानिशमंदी है। बाकी जो नुकसान उन्होंने पहुंचाना था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के जरिए से, वो तो उन्होंने पहुंचा दिया। अच्छा फरजान साहब, एक सवाल ये भी मालूम करें, क्योंकि एक तो सिंध में जब 18 अक्टूबर में हमला हुआ तो पार्टी की आदत ने क्या मोहतरमा को ये मशवरा नहीं दिया कि इतने बड़े पैमाने पे हमला हुआ, तकरीबन 150-200 जो है कारकुन वो भी शहीद हो गए, तो वो पंजाब को दौरा मनसूख कर दें या दीगर दौरे मनसूख कर दें, या मोहतरमा का खुद का डिसीजन था कि जी हमले हुए हैं मैं दौरे कंटिन्यू करूंगी? बेनजीर भुट्टो एक बहुत ही बेबाक और निडर लीडर थी और आज भी वो लोगों के दिलों में इसीलिए तो हैं। ऐसे ही तो बेबाक लीडर जैसे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करते हुए जो बेबाक तरीके से तकरीर की थी, आज तक उसको दुनिया में याद किया जाता है, इस जो मुस्लिम उम्मा है उसमें याद किया जाता है, वो पहचाने जाते हैं। तो ये इस तरह के लीडर अपने आप को मनवाते हैं, उनको डरा के, धमका के, उनके ऊपर कोई फायरिंग करके या उनके ऊपर कोई बम धमाका करके उनको बंद नहीं किया जा सकता। और जब वो पाकिस्तान वापस आई थी तो उनको ये खदशात भी थे और अंदाजा भी था कि वो एक खतरे के मुंह में जा रही हैं, और वो सब जानते हुए उन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान की आवाम के लिए कदम उठाया। तो ये एक बहुत बड़ा लीडर जो बेबाक होता है, या तो वो कर सकता है, और जो पाकिस्तान की आवाम के लिए दिल में मोहब्बत, अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी फैमिली, अपने मफादात से ज्यादा रखता हो वही लीडर कर सकता है। वरना लीडर्स तो जिंदा रहते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यकीनन अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने की लालच या मकसद खातिर होता तो शायद वो कभी वापस नहीं आती, वो तो जब भी बनना होता बन जाती, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत में आई। तो जब उन्होंने निडर तरीके ये फैसला कर लिया था, इवन एक दिन पहले की भी बात है कि जब वो लियाकत बाग का जलसा, आपको पता है कि जब मनसूख हो गया था तो हम उस वक्त भी साथ थे, और शी ट्राइड टू लीव, कि जब उनको रोका गया कि आप नहीं जाएं, और वो उन्होंने जाने की कोशिश की। नजर फरजाना वाजिया साहब के साथ गाल बोल जो सिलसिला जारी है, वठला ब्रेक है, ब्रेक पर बिराज थना से। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, पीपल्स पार्टी जी रहनुमा अगोनी वफाकी वजीर फरजाना राजा असल नगर मौजूदा, गालबल जो सिलसिला जारी है क्योंकि सुबह के वक्त उसी दिन 27 दिसंबर को नवाज शरीफ पर हमला भी हुआ था, तो मोहतरमा ने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया उस वक्त, या आपकी सिक्योरिटी अमले ने ये क्यों नहीं तय किया कि भाई सुबह एक बड़े शख्सियत पे हमला हो चुका है और शाम को कुछ भी हो सकता है? जी वो सुबह नहीं थी, दिन का टाइम था, तो उस वक्त मोहतरमा पहले से निकल चुकी थी, ऑलरेडी जलसागाह की तरफ वो आ रही थी, तो उनको रास्ते में ये इतला मिली थी, तो उन्होंने उनसे बात करके अफसोस का इजहार भी किया था कि उनके साथ जो हुआ। लेकिन जब इतनी लोग उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहां मौजूद थे, वो रास्ते से निकल चुकी थी, तो मेरे ख्याल में उस वक्त मैं साथ नहीं थी, तो गाड़ी के अंदर नहीं थी कि उस वक्त क्या बात हुई और क्या नहीं, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी उस वक्त तक, और वो आ चुकी थी जलसे की तरफ। लेकिन सुबह का उनका जो आगाज था वो सेनेटर्स की मीटिंग से हुआ था, जो कि कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे, और आई रिमेम्बर कि मैं और सेनेटर अनवर बेग उस वक्त जो थे वो हम दोनों उनके साथ उसमें शामिल थे, उस मीटिंग में, बल्कि हम दोनों ही थे मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है, मोहतरमा के साथ। तो उसके बाद जो सुबह के वक्त हुई थी मीटिंग, 27 दिसंबर को सुबह के वक्त, 27 दिसंबर को हुई थी, और वो मॉर्निंग में जरदारी हाउस में हुई थी, सबसे पहले ये मीटिंग थी, उसके बाद फिर मोहतरमा गई थी करजई से मिलने के लिए। तो जी अमेरिकन ऑफिशियल से हुई थी मुलाकात? जी अमेरिकन ऑफिशियल से हुई थी मुलाकात। जी सेनेटर्स थे, वो सेनेटर्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, तो वो सबसे मिल रहे थे, तमाम ऑफिशियल से भी मिल रहे थे, गवर्नमेंट के लोगों से भी मिल रहे थे, अपोजिशन लीडर से भी मिल रहे थे, तो वो एक उनका एक रूटीन सेनेटर्स का एक विजिट था टू पाकिस्तान। तो उसमें उस मैं पैगाम या कोई ऐसी चीज तो नहीं थी, जो उनको सिक्योरिटी के हवाले से आगाह तो नहीं किया गया था, क्योंकि कहा यह जाता है कुछ इतलात है इंटरनेशनल सतह से हवाले से भी कुछ हलकों ने मोहतरमा को आगाह किया था कि आप पे बड़े पैमाने पे कोई हमला हो सकता है। मैं खुद शामिल थी, तो
वो एक रूटीन मीटिंग थी अबाउट इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस, फेयर चांस टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन. सो आई वाज पार्ट ऑफ इट. सो उसमें मेरे मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसी बात हुई हो खतरे की है. लेकिन मोहतरमा यकीनन वहां सामने थी तो बात तो कर रही थी कि हम हर हाल में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मैंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है, आई एम बैक टू द कंट्री और पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आवाम को क्या उसे कहते हैं फेयर और उसे फील्ड मिलना चाहिए टू एवरीवन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल राइट होता है. तो इस तरह की बातें उनके साथ हुई थी और उसके बाद वो सदर करजई से मिलने के लिए गई थी और मैं मीडिया के आपने देखा होगा कि मैं जलसा गाह में आ गई थी क्योंकि मैं मीडिया कंटेनर्स को अरेंज करना और चूंकि ये मेरी सारी जिम्मेदारी थी तो मैं मीडिया को देखने के लिए तो मैं वहां पर आ गई और फिर उन्होंने ज्वाइन किया जलसा गाह. साहब एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि मोहतरमा की शहादत के बाद बड़ा पॉइंट ट्रेस किया गया कि सिक्योरिटी क्लैप्स था, सिक्योरिटी खदशात थे, सिक्योरिटी के खामियां थी, नाकामियां थी, ये तो मोहतरमा की शहादत के बाद. क्या इससे पहले आपको लग रहा था कि सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हैं, तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि आप जलसा गाह में मौजूद थी, हम भी वहां पे मौजूद थे, आपके साथ हमारी गुफ्तगू भी हुई थी इसी हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है, तो आप इस हवाले से सेटिस्फाइड थी, आप या आपसे रिलेटेड दो दीगर जो क्यादत थी, रावलपिंडी की क्यादत थी, डिविजनल क्यादत थी जो जलसा ऑर्गेनाइज करा रहे थे सारे, तो वो सेटिस्फाई थे कि सिक्योरिटी उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी जानिब से भरपूर तरीके से लियाकतबाग में फराहम की गई है? जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है आप खुद जान सकते हैं कि उस वक्त की आपने मुझसे बात पूछी है तो चूंकि मैं सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स थी उसमें कभी भी शामिल नहीं थी, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या वो डिस्कस करते थे कि मेजर्स काफी हैं या काफी नहीं है. जहां तक पॉलिटिकल साइड का ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पिंडी डिवीजन के जो लोग हैं उनकी बात है जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब खुद शामिल थे और उसके अलावा जमुरत खान थे जो जो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, आमर फिदा पराचा मुझे याद है और मखदूम अमीन फहीम साहब भी इवन वहां जलसा गांव में मौजूद थे मोहतरमा के आने से पहले. तो ये सब लोगों का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक होता नहीं था और ना ही हमसे पूछा जाता था ना हमें बताया जाता था क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं था. तो जहां तक मैंने पंजाब पूरे में उनके साथ दौरे किए हैं लास्ट जो विजिट था तो ये तो लास्ट जलसा था आपको पता नहीं में, उससे पहले हम रहीम यार खान में थे, उसके बाद हम मुजफ्फरगढ़ में थे, उसके बाद हम मुख्तलिफ जलसे करते हुए मुल्तान में थे, इन सब जगहों से होते हुए फिर पंजाब में किस किस जगह पे हमले हुए थे क्योंकि कहा जाता है नूर रहमान मलिक साहब जब इंटरव्यू था उन्होंने कहा था कि कामरा के पास भी हमला हुआ था, रहीम यार खान के आसपास भी एक हमला हुआ था और 18 अक्टूबर के बाद ये कुछ हमले पंजाब में भी मोहतरमा पर हो चुके थे जो शायद रिपोर्ट नहीं हुए, तो ये बात दुरुस्त थी? यकीन जानिए कि मैं साथ थी तो मुझे इल्म नहीं है. अगर कोई ऐसी बात थी कि फर्ज करें कि हमारी गाड़ियां गुजर गई, क्योंकि मुझे याद है कि दो गाड़ियां होती थी, एक गाड़ी में मोहतरमा होती थी और दूसरी गाड़ी में उसी वाइट दुपट्टे के साथ मैं फ्रंट पे बैठी होती थी, तो लोगों को सम टाइम्स अंदाजा नहीं होता था कि ये पहली गाड़ी में मोहतरमा है या दूसरी गाड़ी में मोहतरमा है. तो मैं भी लोगों को इक्वली उसी तरह से वेव करती थी क्योंकि ये सिक्योरिटी मेजर्स का एक हिस्सा था. तो और जिस गाड़ी में मैं होती थी उस गाड़ी में कई दफा जो है वो मेरे साथ मोहतरमा राही साहिबा थी, सफदर अब्बासी साहब थे, बाबर अवान थे, वो गाड़ी में पीछे बैठे होते थे, मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे होती थी और उसकी अगली वाली गाड़ी में मोहतरमा होती थी, कभी हमारी गाड़ी आगे होती थी और मोहतरमा की पीछे होती थी. तो ये सिलसिला बैक एंड फोर्थ चलता रहा. हो सकता है कि हमारी गाड़ियां गुजर गई हूं तो किसी ने किसी और गाड़ी पर हमला किया हो जो मेरे इल्म में नहीं. रमजान साहब आखिरी दिनों में मोहतरमा के साथ आप साथ रही, आप बता रही हैं पंजाब में भी थी, यकीन तौर पर लियाकतबाग में थी, सुबह के वक्त 27 दिसंबर के सुबह के वक्त भी मोहतरमा के साथ थी. मोहतरमा की गुफ्तगू से या मोहतरमा की बातों से कोई ऐसी बात जो आज आप क्योंकि बैरून मुल्क मौजूद हैं कभी आज इस हवाले से जिसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं मोहतरमा के हवाले से कई बार आपकी गुफ्तगू होती होगी बैठे होंगे कहीं ना कहीं गुफ्तगू मामला डिस्कस किए जाते होंगे, तो मोहतरमा की कोई बात या कोई ऐसी चीज याद है जो आप समझती हैं कि इसका इजहार ख्याल करना तमाम जरूरी है, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये मोहतरमा ने बड़ी अहम बात की थी? जब से उनकी वफात और उनकी शहादत हुई है 2007 से लेके आप समझ लें कि अब ये 2024 है तो तकरीबन 15 साल जो है वो बल्कि 17 साल होने वाले हैं,
ये आप बड़ी एक हकीकत है जो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, और बहुत ही अजीब सी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन भी कोई ऐसा नहीं रहा हर महीने में, कोई जैसे होता है ना कि एक दिन दो दिन, हर महीना कोई ऐसा नहीं रहा, मैं कहूंगी कि एक दिन या दो दिन कोई ऐसा वाकया हो कि मोहतरमा बीबी शहीद मेरे ख्वाब में ना आई हूं। ये जब से उनकी शहादत हुई है तब से लेके आज तक का वाकया है। मेरे लिए बहुत ही एक अजीब और ओवरवेलमिंग बात भी है, और मैं पहले बहुत परेशान हुई कि ऐसा क्यों है, मोहतरमा बीबी शहीद इस तरह से क्यों मेरे ख्वाब में आ रही है। तो मैंने अपनी वालदा से इसका जिक्र किया, तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि आप इनके लिए हर जुमेरात को एक का सिलसिला करके और आप उन तक पहुंचाएं, हर रात को फातिहा उन तक पहुंचाएं। यकीनन मैंने कोशिश की और मैं कर भी रही हूं, लेकिन इन चीजों से ये मसला हल नहीं हुआ। वो हमेशा से मेरे ख्वाब में आती हैं और आती रही हैं। ख्वाब में ये होता है कि कभी वो बहुत ही खुश होती हैं, बहुत ही जैसे कि एक्साइटेड हैं, स्माइलिंग फेस के साथ हैं, बहुत ही वेल ड्रेस्ड हैं, प्रॉपरली बहुत ही अच्छा किसी माहौल में है, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, पार्टी के लोगों के साथ भी। लेकिन कई दफा मैंने उनको देखा कि वो बहुत अपसेट हैं, नाराज हैं, कुछ पार्टी के लोगों की तरफ देख के नाराजगी का इजहार कर रही हैं। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो आज भी लीडर्स हैं, कभी उनके साथ वो नाराजगी का इजहार कर रही हैं या उनके साथ परेशानी की मतलब बना के उनकी तरफ देख रही हैं। अब ये उस वक्त मैं पूछती भी हूँ, सोचती भी हूँ कि ये आप ऐसा क्या है, आप मुझे बता दें, अगर मैं कर दूं तो। वो कुछ चीजें मुझे बताती भी हैं, लेकिन मैंने आपको ये 17 साल की बात बता रही हूँ, लेकिन कुदरती तौर पर ये बात है कि ये मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। आज जब मैंने आपसे जिक्र किया पहले उससे, तो आपने मुझे कहा कि आपको जरूर शेयर करना चाहिए, शायद इसमें कोई मैसेज हो या कोई बात हो। मैंने आपकी बात को रखते हुए इस तरह से शेयर किया है, वरना मैं सच्ची बात है कि ये मेरी समझ से बाहर की बात है। पर मैं उनके साथ शाम को, जैसे फर्ज करें वो अपने कमरे में या किसी भी जगह पे जहां वो ठहरी हैं या किसी के घर पे जहां वो ठहरी हैं, वहां पे मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। उसके अलावा मोहतरमा को मैंने जितना मुतमिन देखा, इससे पहले मैंने उनको कभी इस तरह से, जैसे नहीं कहते कि फेस के ऊपर एक उनका एक ग्लो, जिस फेस को आप कहें ना कि मतलब उनका ग्लोइंग फेस, और उस ग्लो के साथ इत्मीनान और हल्की स्माइल के साथ सारी बात करना, मैंने उनको एक वक्त में भी, आप ये यकीन करिएगा कि मैंने उनको परेशान नहीं देखा, परेशानी की बात करते हुए नहीं देखा। और जब वो स्पीच कर रही थी, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे होता है ना कि उनकी स्पीच उनके दिल से, उनके दिल की आवाज थी, वो उनकी अपनी आवाज नहीं, जैसे उनका दिल बोल रहा है जब वो आवाम से मुखातिब होती थी। क्योंकि मैं उनकी स्पीचेस में मुझे ये कहा गया था कि मुझे इनकी एग्जैक्टली साथ खड़े होना है या इनकी एग्जैक्टली बैक साइड पे खड़े होना है, ताकि मैं उनको जैसे कवर कर सकूं। दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। हम उनसे, आप याद कर, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि उनसे मोहब्बत इतनी थी कि हमने तो कभी एक दफा भी नहीं सोचा कि इन पे कोई हमला हो सकता है, तो हम अगर सामने खड़े हैं या बैक साइड पे खड़े हैं या राइट पे खड़े हैं तो हम भी बीच में निशाना बन सकते हैं। ये खुदा गवाह है कि कभी एक दिन जहन में वो ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनसे उनकी मोहब्बत। और लेकिन जिस तरह से मैं देख के मुतासर होती थी ना उनकी तकरीर में, जैसे कि वो दिल से अवाम से मुखातिब है, तो उससे महसूस होता था कि वो अवाम का दर्द लेके पाकिस्तान वापस आई हैं, अपनी जान पर खेल के, ये जानते हुए कि उनको जान के खतरात भी हैं। यकीनन खतरात से आगाह तो हुकूमत ने भी किया, जनरल मुशर्रफ ने खुद फोन करके भी किया, और उसके अलावा मुख्तलिफ और जो मुल्कों की इंटेलिजेंस होती है उन्होंने भी उनको किया था कि ये आपको खतरात हैं, लेकिन उन खतरात का मोहतरमा ने बिल्कुल उसको खातर में नहीं लाया जी। अच्छा फरजान साहब, आप बता रहे हैं ना मोहतरमा शाम के टाइम भी आप गुफ्तगू करते थे या आपके साथ गुफ्तगू होती थी, आप इजहार ख्याल भी करते थे मोहतरमा के साथ। तो फरजान साहब, एक सवाल आवाम के जहनों में भी होता है, वो आपसे जरूर मालूम करना चाहेंगे कि मोहतरमा ने कभी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरे इस बच्चे को सियासतदान होना चाहिए या मेरे इस बच्चे को मेरी जगह पे जो है सियासत भागदौड़ संभालनी चाहिए, कभी ऐसा कोई इजहार ख्याल किया है मोहतरमा ने आपके साथ? शहादत के बाद कोई गलत बयानी नहीं कर सकती। हमारे सामने उन्होंने कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि किसको सियासत में आना है। मुझे इतना पता है कि जब वो जलसा गांव में थी तो मुझे गाए बगाए कई दफा, उससे पहले भी और जो आखिरी जलसा था लियाकत बाग का, उसमें भी उन्होंने मुझे जरदारी साहब से रब्ता करके कुछ एक दो और
लोगों से रबते के लिए एक मैसेज दिया कि आप उनको फोन करके कह दें कि इन इन साहिबान को फोन करके बता दें। कुछ मीडिया से मुतालिक बातें थी, कुछ उनकी पर्सनल अपनी, लेकिन सियासत के मामले में मेरे सामने, मतलब मैं तो अपनी बात करूंगी, शायद मैं उस कैटेगरी में नहीं थी जिनके साथ वो बात करती होंगी, मेरे सामने उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। इतना मुझे पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो कि वो बच्चों का ख्याल करेंगे जब मुतरमा पाकिस्तान में होंगी। सो दैट्स व्हाट द लास्ट इंफॉर्मेशन दैट आई हैड। उसके बाद नाज़रीन वी वांट टू द ब्रेक, एंड ब्रेक हां पो गाल बोल जिस से जारी रखना से। वेलकम बैक नाजरीन। लेकिन एक सवाल ये भी है कि रूमर्स फैले गए थे बाद में मोहतरमा की शहादत के बाद कि मोहतरमा को किसी का फोन आया और उसके बाद मोहतरमा को निकलने पे मजबूर किया गया, फिर मोहतरमा के हवाले से शहादत के हवाले से कई ऐसे बयानात भी नजर में आए, यकीनी तौर पे आपकी नजर से गुजरे होंगे, जिसमें ये तासुर दिया गया कि शायद इसमें पीपल्स पार्टी का कोई अपना इंटरेस्ट है आला क्यादत का। तो आपको इन रूमर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो किस हद तक दुरुस्त है? समझ सकते हैं कि नुकसान भी किसी का और मतलब एक खानदान का, एक मुल्क का, एक पार्टी सियासी जमात का और पूरे मुल्क का नुकसान और पूरे खित्ते का मैं कहूंगी कि नुकसान हुआ मुतरमा की शहादत। और फिर इल्जाम भी फैमिली पे या लोगों पे, मतलब इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम, मैं समझती हूँ कि असल मुद्दे से, असल सिचुएशन से तवज्जो हटाने के लिए, और कुछ लोगों का काम ही सिर्फ गॉसिप करना होता है। तो मुतरमा की शहादत एक ऐसा वाकया है, और ये कोई भी और होता है, इनकी कोई और सियासी जमात के भी, तो हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते और दुख का इजहार करते बजाय इसके कि हम क्यादत, मतलब उन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत है उसके ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय लोगों को फोकस करना चाहिए था और करना चाहिए आज भी के अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम जो बेहतरीन कर सकते हैं वो करें। और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है उसमें डिटूरिएशन मुतरमा की शहादत के बाद, मुतरमा बीबी शहीद की शहादत के बाद से कंटिन्यूसली चली आ रही है। किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए एक दिन या दो दिन या चार दिन नहीं चाहिए होते हैं, मुल्कों को तबाह करने के लिए दहाइयां चाहिए होती हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी दो दहाइयां भी नहीं हुई हैं तो मुल्क की सिचुएशन खित्ते में कहां से कहां गई है, जिसके ऊपर हम सबको काम करने की बहुत जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, और पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे तो खित्ते में की भी सलामती उसी के साथ जुड़ी हुई। सही, जैसे आप खुद बता रही हैं कि जरदारी साहब भी यकीनी तौर पर रबते में रहते थे, मोहतरमा भी रबते में रहती थी, तो ये बेबुनियाद इल्जाम थे जो कहे जाते थे कि मोहतरमा के साथ रबता जरदारी साहब ने सिर्फ अचानक सरप्राइजिंग में किया या उनके बच्चों ने किया, क्योंकि वो कंटिन्यूसली होता रहता था, कोई अचानक नहीं था। तो ये रूमर्स की बुनियाद है और बेबुनियाद बातें हैं, ये बातें हैं। बच्चों से, जरदारी साहब से बात, मुलाकात, इकट्ठे होना, बल्कि आखिरी दिनों में तो दुबई, अमेरिका जाने से पहले वो दुबई में थे, उनके साथ थे, रोज खाने के लिए बाहर जाना, जी मुझे अंदाजा है कि काफी ताल्लुक था, मुख्तलिफ लोगों के साथ वो इकट्ठे मिलते थे एज अ कपल, जिसका मैं विटनेस भी हूँ। तो मेरे ख्याल में रूमर्स बहुत ज्यादा होती हैं जी, बदकिस्मती है हमारी जी। और इस हवाले से भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो अब राव अनवार साहब की स्टेटमेंट्स इस तरह मोहतरमा के शहादत से रिलेटेड आ रही हैं कि सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जरदारी साहब दुबई से देखते थे, उनके जरायम पेशा कुछ अनासर लोग थे वो सिक्योरिटी के इंतजाम देखते थे, तो ये आप इसको बेबुनियाद समझती हैं? जी देखिये, अब इसको यकीनन, मतलब अगर किसी साहब को ये स्टेटमेंट्स उन्होंने कब दिए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है मैं मुल्क से बाहर हूँ। और अभी रिसेंटली दो दिन पहले इंटरव्यू दिया, बिल्कुल जी जी, अभी दो दिन पहले इंटरव्यू दिया रॉन, जी हाँ। अभी ये राव साहब हैं, इनको अभी याद आया है कि जरदारी साहब ये करते थे, इनको पहले क्यों नहीं याद आया? तो सवाल आपके सामने पैदा हो जाते हैं ना कि जब कोई, ये पाकिस्तान में हमारे साथ बदकिस्मती है कि जब आपको बताया जाता है कि जी वो 10 साल पहले आपने ये किया था, 15 साल पहले आपने ये किया था, ये जो इल्जामात का सिलसिला है ना, तो
उससे साफ जाहिर हो जाता है। ये तो एक बच्चे के लिए भी वो है कि ये रावण मार साहब को तो उसी वक्त बोलना चाहिए था जब मोहतरमा की शहादत हुई थी, अगले तीसरे दिन अगर उनको कुछ पता था तो। और उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड इंक्वायरी कर रही है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी हो रही है, वहां पर तो कोई इंसान नहीं बोल रहा है, और आज 10 साल 12 15 के बाद आपको बात याद आ जाती है, तो इससे खुद ही आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बेबुनियाद बातें हो सकती हैं। से, अच्छा एक एक चीज, आपको कभी आवाम की जानिब से तासुर मिला कि आवाम ने आपसे कभी मुखातिब होके पूछा कि आप लोग 5 साल बरसर इक्तदार भी आए और मोहतरमा के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सके, तो ये उस वक्त 5 साल पीपल्स पार्टी की भी नाकामी रही और उसके बाद होल पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो भी तमाम गवर्नमेंट, एक बड़ी लीडर थी तमाम पार्टियों को अगर चाहिए था, उसके बाद नून की भी गवर्नमेंट आई, पीटीआई की आई, तो उन्होंने भी मोहतरमा के असल कातलों को गिरफ्तारी में कोई खातर ख्वाह को पेशरफ नहीं की, तो ये पीपल्स पार्टी के बाद तमाम हुकूमतों की नाकामी है सबसे बड़ी। देखिए सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जिसका मैं खुद हिस्सा थी, तो मैं उसमें से बाहर नहीं हो सकती हूँ। कैबिनेट के अंदर इस पे ब्रीफिंग गाये बगाये जब जब भी उस पे कोई पेशरफ्त होती थी तो आके मोहतरमा के केस के ऊपर ब्रीफ किया जाता था। और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसको इंटरनेशनल सतह पर एक कंस्पिरेसी को मनवा के आपने यूनाइटेड नेशंस में उसकी इंक्वायरी पे एक्सेप्टेंस करवाई। सो आप समझ सकते हैं कि इस स्टेज के ऊपर जो कमीशन बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस लेवल पे, वो एक सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो वो लेकिन असल कातिल नहीं मिले ना फजान साहब, असल असल जो थे बैक हैंड पे, जो असल हाथ थे, वो आवाम पूछना चाहती है कि वो कहाँ है, वो कौन है असल हाथ। देखिए असल हाथ यकीनन मतलब अगर पता चलेगा, अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो कब से गिरफ्तार हो गए होते। जो पाकिस्तान में हाथ जिनकी निशानदेही हुई वो तो गिरफ्तार हुए, वो तो जेल में भी थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसमें से उनकी उम्रें कोई 15 साल का है तो कोई 17 साल का है, 18 का है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो असल लोग हैं वो नहीं पकड़े गए। और ये यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी से भी जो साबित हुआ, अगर वो पाकिस्तान में या पाकिस्तानी हुकूमतों के हाथ में होता तो शायद ये तो बहुत अरसा पहले चीज। इसका मतलब है बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर भी मुदाखलत करते हैं, इस पैमाने पे मुदाखलत करते हैं कि उनके बड़े लीडरान को भी मरवा देते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रही कि कोई कुछ, देखिए दो तरह के एक्टर्स होते हैं, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हम यहाँ स्टेट एक्टर्स की तो बात नहीं कर रहे जी, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट भी आते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो अब ये मेरे या हुकूमत हमारी जो पाकिस्तान में उस वक्त हुकूमत थी और कैबिनेट थी, हमारे हाथ में तो यही है ना कि पाकिस्तान की हदूद में जिसकी निशानदेही होगी वो अरेस्ट होगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए अदालतें फैसला करती हैं। आपको पता है कैबिनेट तो किसी को सजा नहीं दे सकती या हुकूमत तो सजा नहीं देती ना, अदालतें सजा देती हैं। तो उनको अदालतों ने जो सजा दी वो आपके सामने है। और जहां तक ताल्लुक इंटरनेशनल कुव्वतों का रह गया कि जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, अब ये मेरे सामने नहीं है कि वो कौन थे और उन तक कौन नहीं पहुंचा और कौन पहुंचा और कौन पहुंच सकता था। आपके सामने अभी मिसालें हैं, अभी देखिए ना कि यहाँ क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट का कत्ल जो है वो किसी और मुल्क में हो जाता है और उस लेवल के ऊपर सामने सबूत मौजूद हैं, सामने हर चीज मौजूद है, तो क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की अदालतें तो उनको जाके वहां कीनिया में कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से हालांकि वो कत्ल भी वहीं उनकी सरजमीन पे हुआ, तो हमारी सिचुएशंस में जब इतने बड़े पैमाने पे चीजें होती हैं तो ये हर इंसान इंडिविजुअल्स के हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके लिए फोरम्स होते हैं जिसमें कमीशन बनाया गया, वो फोरम था जो यूनाइटेड नेशंस का था, फिर अदालतें हैं, फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। तो मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में होता तो शायद बदला 10 दिन में ले लिया जाता। सही। अच्छा फरजान साहब, क्योंकि मोहतरमा के हवाले से तफसीली तौर पे गुफ्तगू की और आपने मोहतरमा के साथ आखिरी दिनों में रही, उसके बाद वफाकी वजीर भी रही, मैं चाहूंगा 2-4 मिनट आपके हवाले से, अब पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी मुस्तकिल बुनियादों पे है या सिर्फ आप उस मोहतरमा की एफिलेशन की वजह से ऑन करती है, या पार्टी सतह पे भी अभी आप ऑन करती है पीपल्स पार्टी को? देखिये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक तब से है जब से मैंने होश संभाला। जब होश संभालते हैं ना तो आपको कोई मुझे मोहतरमा होश संभालने से मुराद ये है, जब मैं कॉलेज में थी, मैं वकारनसा कॉलेज में थी और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो हमें पता चला कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो खिताब कर रही हैं लियाकत बाग में,
मतलब एक नौजवान बेनजीर भुट्टो साहब, तो मुझे याद है वो शायद 88 की बात कर रही हैं आप, 88 की बात कर रही हैं, जब 87 मोहतरमा जब आई थी वापस जन्नत जया के। जी, जलसा गांव में पहुंची और जिस तरह से वो तकरीर कर रही थी, तो आप यकीन करिए कि मैंने अपने खुदा से दुआ की कि मुझे कोई ऐसा मौका आता फरमाए कि मैं इन अजीम खातून के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, और बस ये मेरे ख्याल में दुआ उसी वक्त ही कबूल हो गई। तो मैंने उस वक्त के बाद से, कॉलेज लाइफ के बाद से ही अपना सफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शुरू किया। तो आप समझ लें कि मैंने तो अपना जो प्राइम एज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवाम की खिदमत में दे दी। अब जहां तक आपने मुझसे पूछा कि इससे बाहर, मैं अपने जाती फैमिली वजूहात की वजह से मैं बाहर आई और मुझे मजबूरन रुकना पड़ गया, उसमें कुछ कोर्ट मैटर्स थे और दूसरे थे। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना मैंने कोई फॉर्मली रिजाइन किया, ना मुझे कोई उनसे दूरी इस तरह की हुई, लेकिन यह है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं हूँ। आपकी ख्वाहिश है, बिलावल साहब अब जो है पार्टी की क्यादत भागदौड़ उनके पास भी है, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मोहतरमा के फर्जंद के साथ भी आप उनके अंडर में या उनकी पार्टी सरपरस्ती में काम करना चाहती हैं आप अभी भी? लेकिन अगर मेरे जाती हालात इजाजत देंगे तो क्यों नहीं करना चाहेंगे। और बिलावल भुट्टो जो हैं उनको तो मैंने बचपन से देखा है, और मोहतरमा बीबी शहीद हमें कई दफा, हम मुझे याद है कि हम जब दुबई में मैं जाती थी तो वो हम इकट्ठे लंच करने के लिए कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट पे चले जाते थे, और जिस तरह से वो बच्चों को ग्रूम कर रही थी, उनके साथ बातें होती थी, तो मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और मैं कहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, एंड अप्रिशिएट हिम कि जिस तरह से वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, एक नौजवान क्यादत और पाकिस्तान की नौजवान आवाम और क्यादत मतलब लोग भी नौजवानान उनके साथ हैं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने के लिए वो जितनी भी अपनी नाना और अपनी वालदा और अपने खानदान से जो उन्होंने चीजें ली हैं, मैं समझती हूँ कि वो आगे इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब आई सर्व माय कंट्री इंशाल्लाह। अच्छा फरजान साहब, वहां से बैठ के, क्योंकि आप थोड़ा सा तो टच में तो होंगी पार्टी सतह पे, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा के साथ थी वो पीपल्स पार्टी अभी नहीं रही, अभी पीपल्स पार्टी कोई मुख्तलिफ हो गई है? देखिए, अभी मैंने तजुर्बा किया नहीं है कि पार्टी मुख्तलिफ हो गई है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो मैं जाती हालात की वजह से सफदर अब्बासी और मरहूम अमीन फहीम तो चलो वफात पा गए, इसके अलावा जो पार्टी के डाय हार्ट जो थे रहनुमा थे अब उनमें से बहुत कम नजर आ रहे हैं, अब तो बल्कि लतीफ खोसा और ये दीगर जो रहनुमा एतजाज एहसन ये भी दूर हो गए हैं, तो ये दूरी की वजह आपको क्या लगती है, क्या वजूहत हो सकती है पार्टी में इतनी दूरियां क्यों हो गई है, पुराने लोगों को क्यों दूर किया गया? इतका का अमल है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी जब आई यंग क्यादत के तौर पर तो एक होता है पुरानी टीम भी साथ चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो पुराने लोग फेड आउट हो गए और नई टीम्स बन गई जिसमें हम लोग शामिल थे ना, हमें भी ऐसे ही मौका मिला, फिर हम लोग भी यंग थे, हमें भी मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने, बीबी शहीद ने मौका दिया, फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाले हुए साथ साथ उनके शाना बिशाना चलते रहे, मुश्किल वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। इसी तरह से फिर अब नई क्यादत आती है तो एक इफ्तका का अमल है, ये सारी दुनिया में होता है, यानी कि रिपब्लिकन हूँ डेमोक्रेट्स हूँ या अमरीका, इसमें दिलाजारी नहीं करनी चाहिए उन रहनुमाओं को, ये रूटीन है, ये रूटीन है। मेरे ख्याल में इसमें किसी को, अब सारी जिंदगी के लिए मैंने भी कोई वो स्टाम्प पेपर तो नहीं लिखवा लिया था कि वो लिया था कि वो मेरे साथ ही काम करना है किसी को, और फिर लोग ग्रो भी तो कर जाते हैं ना। आप मुझे देखिए कि मैं जब बाहर आई और अपने हालात की वजह से, तो मुझे यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने मेरे ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के काम को देखते हुए वर्ल्ड में से उन्होंने 18 लोगों को सिलेक्ट किया, आई वॉज वन ऑफ देम। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना राजे साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पे 27 दिसंबर शहादत का मौका है, उस मौके पर ये प्रोग्राम को यकीन तौर पर हम जो नशर करेंगे तो आपके इजहार ख्याल जो सिंध की आवाम हमारे सुनेगी, और खासतौर पर जो आखिरी दिनों में मोहतरमा के वाले से जो यादें हैं वो भी आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फरजाना राजा सगन मौजूद हुई, अगुणी वफा की वजीर भी यही सीनियर रहनुमा रही है पीपल्स पार्टी जी, हिन वक्त पड़े में उन्होंने खसूसी गाल बोल के सी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जी वर्सी जे वाले साइंस अगर पानी मेजबान मुदसर के लिए इजाजत इधर हफ्ते बेहरा देना सकते।